सतनाम वाहगुरु साहिब जीओ, कबीर मोहि मरने का चाओ है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार, जिता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जमी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू करही तिहा हऊँ करी बखियाँ, दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू करही तिहा हऊँ करी बखियाँ। पाक तिलंदी जगती जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों में तुर मिल बैठे सत्संग प्यारे अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लमेरे समय तो सतगुरु जी के घर विच वरस दे अमृत का आनंद माण रहे सी। अमृतमई बाणी दे पाठ गुरमुख प्यारे भाई गुरप्रीत सिंह जी बरड़वाल उन्होंने कीर्तन राही प्यासिया रूहों की प्यास बुझाई है। मैं बेनती करा अजोका समा साढ़े सामने हर सियाने बंदे के सामने एक चैलेंज लेके खलोता होया, नित दिया दुश्वारियां सानू सचेत होने वास्ते प्रेरणा देंदियां ने। अज भी जिथे हथियारों की लड़ाई है उत्थे विचारों की लड़ाई भी बड़ी प्रबल है। पुराने समय च मनुख के कोल फोन नहीं सी हुंदा, अजोका मीडिया नहीं सी इतना, पर अज विचार भी उन्ना ही तिखा है जिन्ना हथियार तिखा है। तो जिहड़े बाकी लोग ने वो साढ़े घरां च आके वो अपनी विचार दसदे ने। मैं गल पहले तां करन लगा है, मैनूं पूरी आस है जे किते सिख कथा भी ध्यान नाल सुन लवे ना हर रोज़, ते अजोकी समुची विचार का जवाब ये कोल है। कोई अजिहा सवाल नहीं होगा जिहदा जवाब सिख कोल ना होवे। तो अज ईसाई धर्म वाले साडे घरां दी बूहे खड़का के हज़रत ईसा मसीह की शहादत का वर्णन करते ने, मुबारक असीं सारे शहीदां दा बहुत सत्कार करने हैं। पर जे किते तुसी भाई मनी सिंह दा जापा मना रहे हैं, मैं उसे दी गल करनी है, तो मैं हाथ जोड़ बेनती करा किते तुसी इहनूं ध्यान नाल सुन लिओ ना, तो कोई ईसाई तो सिख बन सकता है पर किसी सिख नूं कोई ईसाई नहीं बना सकेगा। हुण मैं गल शुरू करनी चाहुंदा। वैसे तो भाई मनी सिंह दे परिवार का जिहड़ा पिछोकड़ है वो सन 911 तो साढ़े कोल है। 911 सन तो इन्हां दे परिवार का पिछोकड़ सानूं मिलदा है, पर बहुत ही पिछे नहीं मैं जा रहा, करीब गुरु नानक साहिब के समय तो मैं शुरू करन लगा। इन्हां दे पुराने बजुर्ग का नाम सी भाई जल्ला,
मैं एक एक का ही जिक्र करांगा अगे, फिर जिथे लोड़ पई फिर उत्थे वध करांगे। भाई जल्ले का पुत है भाई चाड़, भाई चाड़ का पुत है भाई राओ, भाई राओ का पुत है भाई मूड़ा, भाई मूड़े का पुत है भाई बल्लू। इत्थे थोड़ा रुकना चाहना, भाई बल्लू वो है जिहड़ा छेवें पातशाह ने जो फौज बनाई सी अकाल तख्त साहिब ते, वो तो बहुत सारे गुरसिखां नूं लेके शामिल होया सी। भाई बल्लू एडा वड्डा बनजारा सी उस वेले, ते इहदा नाम सरकारी दरबारे भी चलता सी। भाई बल्लू दी परिवार विचों एक बेटी बीबी मलूकी अकबर बादशाह नूं मिली सी। तुसीं देखो भी इस घर की किड्डी पहुँच सी। भाई बल्लू का पुत भाई माई दास जी का मैं अगे जा के जिक्र करना है, ये शाहजहान नाल गल करके आया सी। किड्डी वड्डी पहुँच सी, ये इंडिया वर्गा नहीं सी, वह बहुत ज़्यादा वड्डा सी उदों। ये विच पाकिस्तान ते जेडे बाकी ने बंगलादेश वो सारे विच सन उस वेले, एडे वड्डे मुल्क दे भाई बल्लू ये परिवार। तो भाई बल्लू मैं एक बार फिर दोहरावां, भाई जल्ला भाई जल्ले का पुत है भाई चाड़, भाई चाड़ का पुत है भाई राओ, राओ का पुत है भाई मूड़ा, भाई मूड़े का पुत है भाई बल्लू, भाई बल्लू का पुत है भाई माई दास। हम भाई माई दास जिहड़ा है ये 12 पुत, इत्थों शुरू कहानी होनी है भाई मनी सिंह। ये 12 पुत ने, सब तो पहला पुत है भाई जेठा सिंह, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल 1711 में शहीद होया। मैं बेनती करांगा बड़ी तवज्जो दे के समझी। दूजा पुत है भाई माई दास का भाई दयाला, भाई दयाला गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाल दिल्ली के चांदनी चौंक में उबलती देग में उबल के शहीद हुए। माई दास के 12 पुत ने, तुसी हैरान हो कि 11 शहीद ने। मैं नाल दी नाल सांझ पावां, सब तो वड्डा भाई जेठा सिंह, दूजे नंबर से भाई दयाला जी, तीजे नंबर से भाई मनी सिंह जी की अज आप गल करनी, चौथे नंबर उत्ते इस परिवार विचों भाई दान सिंह, ये चमकौर की गढ़ी शहीद होंदा है। पंजवें नंबर से भाई मान सिंह, ये गुरु जी जदों चमकौर की गढ़ी विचों निकलते ने, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, ये भाई मान सिंह ये वाला वो है गुरु का सिख, ये चित्तौड़गढ़ के 1708 शहीद होया। भाई दाल सिंह, भाई मान सिंह, ते एदे नाले एक भाई अमरचंद, ये भाई अमरचंद छोटी उम्र च इहनूं बुखार हो गया सी, ये चढ़ाई कर गया सी, इहदी डैथ नॉर्मल हुई है। बाकी तुसीं देखो किड्डे वड्डे परिवार ने। उस तो बाद सतवें नंबर ते भाई जगत सिंह, ये भाई जगत सिंह भाई मनी सिंह ने शहीद होना है, अगे जा के जिक्र आएगा। उस तो बाद भाई रूप सिंह, भाई रूप सिंह शहीद होए। उस तो बाद भाई सोनू जी, भाई लहरू जी, ये दोवें आनंदपुर साहब दी जंगा च शहीद ने। उस तो बाद ने भाई हठी सिंह, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वेले दे शहीद ने। भाई राय सिंह, ये भाई राय सिंह वो है जिहदा पुत है भाई महा सिंह जी नूं बेलावे दी गल करदे आपां, ये राय सिंह दा पुत सी भाई महा सिंह। भाई राय सिंह भाई मनी सिंह दा पुत्र है, ये भाई राय सिंह चमकते जिहड़े मुक्तसर साहब दे 40 मुक्ते ने उन्हां विचों इक है भाई राय सिंह। हुण आपां वापस चलिए, अजकल पाकिस्तान विच है मुजफ्फरगढ़
जिले का ना है। उस वेले की स्टेट होंगी सी मुल्तान, मुल्तान दे विच एक पिंड का ना है अलीपुर। जिन्हें चीज़ा तुसी याद रख सको, अलीपुर दे विच भाई माई दास रहिंदे है ते इहदे परिवार विचों ये भाई मनी सिंह होरां दा जन्म 10 मार्च 1644 जन्म दे वेले बड़ी खुशी मना के गुरु का शुक्र करके परिवार बड़े लंबे समय तो जुड़े हुए सन, शुक्र करके मालिक दा ते एदा नाम भाई मनी राम रख दिता गया। करीब 1657 दे विच गुरु हर राय साहब जी तख्त ते ने, गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी कीरतपुर साहब जी धरती ते ने, ते उदों भाई माई दास अपने पुत नूं लेके गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी महाराज के चरणों में आए। इस परिवार में एक रीत होंदी सी, करीब 14-15 साल की उम्र तो पहला पहला अपने बच्चे नूं गुरु चरणों नाल जोड़ देंदे सन। पक्के तौर पर इन्हां दे घर की पक्की रीत सी। जितने बाकियों का भी जिक्र है, 1657 में गए पर 3 साल रह के 1660 के वापस आ गए घर। तो घर वापस आके इन्हों की शादी हुई लक्खी शाह वनजारा जी की बेटी का ना है, पहला ना है सीतो, बाद में खंडे पाटे की पौल लैण तो बाद बसंत कौर ना बनिया तो उहदे नाल इहदी शादी हुई। शादी तो बाद परिवार विच आना जाना तो गुरु घर की सेवा विच लगे रहना बड़ी अहम सेवा सी। फिर उस तो बाद विच गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ज्योति जोत समाए, तो जदों गुरु हर हर राय साहब सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह दिल्ली तक उन्होंने नाल गए। वापस गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी जदों उस बाबा मक्खन शाह रूबाणी के नाल उन्हां दा प्रगटावा होया आनंदपुर साहब आए, तो भाई मनी सिंह भी गुरु जी की हजूरी विच आनंदपुर साहब आ गए। जदों कश्मीरी पंडित आए तो उदों भाई मनी सिंह भी दरबार विच सी। मैं भाई मनी सिंह लेके नाम गल करांगा, हालांकि पहला ना इन्हां दा मनी राम है। हले 1675 नूं जदों शहीदी होंदी है, तुसीं पढ़े लिखे हो, मेरा ख्याल नहीं कोई ऐसी गल जिहड़ी भी तुहाडी समझ विच ना आवे। 1644 विच जन्म है, 1675 विच शहीदी होंदी है, उदों 31 साल की उम्र है भाई मनी सिंह दी जदों गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी होई, 31 साल की उम्र। फिर ये गुरु गोबिंद सिंह जी की हजूरी विच रहे। और याद रखियो जे एक गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप जिहड़ा है वह आनंदपुर साहब बड़े दमदमा साहब के भाई मनी सिंह ने लिखा से, उदों आनंदपुर साहब के भी एक लिखा गया स्वरूप है। उदों गुरबाणी दीआं पोथियां लिखियां भाई मनी सिंह होरी बाणी बहुत लिखते सन, भाई मनी सिंह कथा बहुत वधिया करते सन, और भाई मनी सिंह गुरु घर के दीवान सन। में एक छोटी जी गल कह के गुरु इस गल वाल आ जाना, बड़े ध्यान नाल सुनो। जदों गुरु साहब के उत्ते मालिक के घर में बड़िया बड़िया रहमत सी, भाई मनी सिंह होरी बड़े गुरु की नेड़ता रखने वाले सन। एक दीवान सी नंद चंद, एक नंबर के दीवान सी गुरु घर का। नंद चंद के नाल सी भाई मनी सिंह। एक बारी एक उदासी बंदा उन्हें बहुत वधिया हथ लिखते खुशखत बिल्कुल वधिया ढंग नाल एक गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार किया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने चैक करवाने वास्ते उन्होंने को सही पाने वास्ते वो लेके आया, तो उन्होंने नंद चंद के थ्रू गुरु गोबिंद सिंह जी को देना पसंद कर लिया। और नंद चंद का मन एडा बेईमान हो गया देख के, वह महाराज का स्वरूप लेके वह अपने पिंड भाई दरौली मोगे के लागे उठे छड़ आया।
ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਛ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲੇ ਹੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੌਂਡੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਧੀਰਮੱਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਧੀਰਮੱਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਿਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੋ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਧੀਰਮੱਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਮੱਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 1687 ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਈ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਸਟਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜਿਆ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਐਡਾ ਸ਼ਗਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੜ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਗਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਡੋਲਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਖਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌੜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਭੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਚੋਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਚਾਰਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੀਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਚਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਝੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1698 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ 1631 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। 1631 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੇ ਕਮਲ ਨੈਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ 1664 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। 1698 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। 1698 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 1698 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਆਪ ਬੜੇ ਠੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਸ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ। 1699 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ।
ते नाल मातावां अते भाई मनी सिंह होरी ए इक जत्था वखरा बन गया। ये दिल्ली चले इतरों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह चमकौर का जंग लड़के मुक्तसर साहब का जंग लड़के जदों साबो की तलवंडी भाई डल्ले कोल गए तां उदों दिल्ली तो मातावां आईयां गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिलण वास्ते ते नाल भाई मनी सिंह होरी उठे फिर आए इत्थे आके गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप तैयार होया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी ते नाल सहज पाठ होया नाल गुरबाणी के अर्थ गुरु गोबिंद सिंह जी ने किए। उदों जिहड़ी बाणी लिखी सी ना इस वारी लिखारी फिर भाई मनी सिंह है। एक एक अखर गुरबाणी का उन्हें अपनियां अखां राही ते अपने हत्थां राही देख के सरूप तैयार किया। इस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह चले जाते ने भाई मनी सिंह होर फिर दुबारे जी सेवा है वो अमृतसर साहब की प्राप्त होंगी है तो ये अमृतसर साहब आके सेवा संभाल कर रहे हैं। ये दरमियान याद रखो जे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ज्योति शरीरक चोला त्याग गया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर भेजा। बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल जेड़े सिंह जाके शामिल होए उन्होंने भी बहुता सहयोग भाई मनी सिंह होर है क्योंकि प्रचारक सन तैयार करके सिंह भेजते सन। 1716 के बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत है। उस तो बाद कौमी हालात बहुत बिगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कौमी हालात बिगड़ते हैं। उन्होंने बिगड़े हुए कौमी हालातों में भाई मनी सिंह अमृतसर साहब का सारा प्रबंध सामभते हैं। याद रखियो जी बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद बड़ा कहर वरतद कौम के उत्ते करीब जेडे 10 साल ने बहुत कहर भरे ने। 1716 तो लेके 1726 के बीच तारा सिंह वहां की शहादत होंगी है, नाल बघेल सिंह होर की शहादत होंगी है। निका जहा दृष्टांत दी के अगे तुर जाना। इत्थे एक पट्टी का हर सहाय बहुत वड्डा चौधरी सी ते उदी हाकम सरकारे दरबारे उदी नेड़ता बनती सी। उसके दरमियान इन्हें लाभ उठाया ते अपनियां जिहड़ियां घोड़ियां ने खुडियां छड़ देनियां सिखां दियां फसलां होंदियां सन। भाई तारा सिंह वांग गुरु घर दे सिखां नूं लंगर पहुंचाया करदे सन थां थां ते उहदे डेरे भी सिंह रहिंदे सन ते उन्होंने आके वचन किया। सिंघा ने बेनती की हर सहाय नूं भी देखो तुसीं अपनियां घोड़ियां संभाल के रखो इवें साडियां फसलां ना उजारो। उन्हें बड़ा पट्टी के इस चौधरी ने बड़ा अजीब किस्म का जवाब दिता। कहने लगे मैं रस्से तो पाला पर मुश्किल है भी मेरे को रस्से है ही नहीं। सिंह कहन लगे तू एडा वड्डा चौधरी एडे इलाके का तो यह की जवाब होया मेरे को रस्से नहीं है बाजारों खरीद ले। वह कह लगे मैं जो रस्से लेने ने बाजारों नहीं मिलते। कह लगे योजे कि अजीब रस्से ने जोड़े बाजारों नहीं मिलते कितों मिलते हैं। कह लगे और रस्से मिलते हैं सिखा के केस कट के उन्होंने रस्से बट के मैं अपन घोड़िया ने पाने तो मैं सिखा के कोलों वो केस बढ़ने। ये गल तो हम बड़ी चुभमी सी ना सीधे तौर पर गुरु के सिखा ने वह घोड़िया पकड़िया तो पकड़ के घोड़िया वो बेच दतिया। इनू पता लगे पट्टी ने ते इन्हें अगे जाके सरकारी दरबारे पहुँच की हमला होया। 1726 के भाई बघेल सिंह भाई तारा सिंह वहां ये शहीद हो गए।
कहर होर बढ़ गया। भाई मनी सिंह होर की जिम्मेवारी होर भी बधी, उन्होंने जिम्मेवारी फिर होर भी बधी। जदों 1726 तो बाद फिर जकरिया खान ने एक गल वेखी भी मैं बड़े उपराले किए पर मैं किसी गल च कामयाब नहीं हो सकिया, मैं एक काम यह करके देखा साडे घर क्योंकि जेडे मुगल सन उन्होंने जो राज तख्त से बैठा जाता सी तो पहले तो कतल करके बैठा जाता सी, बहुत ही बारी ऐसा होंगे हाकमी का नशा बहुत होंगे। तो कि चंगा हो गया मैं इन्होंने भी यह भावना पैदा करा। एक पल मैं रुकन लग्या फिर इतनी गल शुरू करा, थोड़ी तवज्जो दे के सुनियो। जिहड़ी असीं दोहरे दे विच गल पढ़दे आ ना रोज़ ते छे लैणा ने, आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुकम है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट पुरा की दे, जो प्रभु को मिल हो चाहे खो शब्द मिल ले। चार महीना ये दो है, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण हो। जिहड़ियां पुतलियां चार लाइना ने यह ज्ञानी ज्ञान सिंह दियां ने, पंथ प्रकाश विच्चों जिहड़ियां पिछलियां दो लाइना ने यह भाई नंद लाल सिंह दियां ने जिंदगी नामा किताब विच्चों, जिहड़ियां यह दो लाइना ने इहदा बाकी थोड़ा जिहा पिछोकड़ किसी वेले आपां खोलांगे, अज नहीं। उहदे विच लिखिआ है खालसा सोजो चढ़े तुरंग, खालसा सोजो करे नित जंग, खालसा सोजो दुष्ट को गल है, खालसा सोजो निर्धन को पल है। एक लंबी लड़ी दे के यह गुणा का जिक्र करके अखीर में लिखा हुआ भी राज करेगा खालसा आसी खालसे का। हूँ तो अपने निकलियां दो पंक्तियां ले लिया ना, बाकी सारा कुछ छड़ दिता, सीधा सीधा जहा काम कर लिया। पर वो पहलिया लाइना ने जिहड़ियां उन्होंने भाई नंद लाल सिंह जी लिखी हुई उन्होंने जिंदगी नामा किताब में ने, डॉक्टर गंडा सिंह होर ने भाई नंद लाल सिंह जी की समुची जी रचनावली है उसका तर्जमा किया हुआ, तुम वक्त मिले जरूर पढ़ेंगे। मैं समय को बचा क्योंकि मैं कई गल् हाँ थोड़े साझिया कर लिया। जी मैं गल कह लगा सी, सिख के अंदर राज की भावना है, पर नाल एक गल चेता रखियो त्याग की भावना भी होनी है, त्याग की भावना भी होनी है। जे राज दें तो कवन बडाई चो भीख मंगावे तो क्या घट जाई, ये नहीं होना चाहिए भी मैं केवल राज प्राप्ति वास्ते तुर पवां फिर असी ठोकर खावांगे। मैं जिहड़ी गल दा जिक्र करन लगा सा मुगलों के विच रीत है भी एक तो कतल करके दूजा तख्त से बैठ जाए। जकरिया खान ने सोचा भी मेरा बाप मरदा इन्हों मर गया इन्हों मुकाउंदिया नहीं गल बनी, कि चंगा हो जे इन्हों च मैं फुट पाने वास्ते कौदे की पेशकश करा। उन्होंने कौदा रख दिता 1733। जकरिया खान ने सिखा एक उस वेले नवाबी भेजी, इन्हों कोई ना कोई नवाब होएगा कि नवाबी लिए लड़नगे सारे। हुण जदों वह नवाबी लेके अमृतसर के पहुंचे तो उदों दीवान सजिया होया, सरदार दरबारा सिंह उस दीवान में प्रमुख ने, शाहबाज सिंह सुबेग सिंह उस ले शाहबाज सुबेग सिंह लेके वो आए, नवाबी लेके आए, अरदास की गई विचार हुई सारी तो गल चली भी नवाबी किनू देिए। हूँ जिन्हों नवाबी देंदे ने वो मन मनुख हो जाता, कहना मैं नवाबी नहीं लेनी, मैं तो गुरु का सिख ही ठीक है, मैं अपने नाम नाल नवाब नहीं लगा, मेरी सिखी तोड़ने बजाए ये दो वधिया गल नहीं हो सकती। तो आखिरकार जो किसी ने भी नवाबी ना लई, फैजलपुर का एक नौजवान संगत को पक्खा चल रहा सी, अज वर्गे पक्खियां का प्रबंध नहीं सी आता, पक्खा चल दिया दरबार सिंह ने आवाज मारी, कहन लगे कपूर सिंह
तेनों भी खालसे वालों हुक्म है, तेनों नवाबी लेनी पेगी। नवाब कपूर सिंह ने पखा छड़ दिता, हाथ जोड़े कह लगे, खालसा जी मेरी बेनती है भी मैनू गुरु घर का दास ही रहन दे। कह लगे गुरु घर वालों ही हुक्म है। कह लगे प्रवान है पर मेरिया कुछ बेनतियां ने। कहने दसो, कहने पहली बेनती है भी नवाबी पंजा प्यारियां दे पैरां नाल छुआ के, चरणा नाल छुआ के मैनू फिर दियो। दूजी गल मेरी अरदास करियो भी मैं गुरु घर का सेवादार रवां। तीजी मेरी बेनती है भी जिहड़ी घोड़ियां दी मैं सेवा करना है वह मेरी सेवा बाकी रहन दियो। गुरु के सिखां दे घोड़ियां दी सेवा करना है। कल कोई कवे भी ये नवाब बन गया, ये इन्हां नूं सेवा दी लोड़ नहीं है, ये मैनू सेवा तो वांझा ना रखियो। मैं नवाबी तो वांझा रह सकना पर सेवा तो वांझा नहीं रह सकता। गुरु के सिखा ने अरदास करके नवाबी नवाब कपूर सिंह नूं दित्ती। सरकारी दरबारी सुलह हो गई, सिखां भी अपनी ताकत नूं मजबूत करना शुरू कर दिता। समा थोड़ा जिहा लंघिया, 3 महीने का ही सारा लंघिया, पर बहुता नहीं लंघिया। जकरिया खां अपने अकीदियां नूं बदल के, अपने फैसलिया नूं बदल के सिखां ते फिर कहर करन लग पे। सिख जिहड़े ने उह नवाबी तोड़ के फिर दुबारे पनाहगाहां विच जंगलां विच इत्यादि कोठां तरह तरह दीआं थावां ते चले गए। हुण इहो जिहे कौमी हालात बने होए ने, इहदे दरमियान भाई मनी सिंह एक चिट्ठी लिखते ने सरकारे दरबार। बड़े ध्यान नाल सुनियो, वो चिट्ठी लिखते ने भी तुसी सानू अक्तूबर की 20 तरीक तो लेके अक्तूबर की 26 तरीक तक 1733 नू दरबार साहब इकट्ठे हो जाण। जकरिया खां कहण लगे सानू की फायदा होना है। वो कहण लगे तुसी दसो की चाहुंदे हो। कहन लगे तुहानू 5000 रुपया साढ़े खजाने जमा करवाउणा होएगा। भाई मनी सिंह कहिंदे सानू प्रमाण है, कौम नूं इकट्ठी हो जाणगे 5000 रुपया तो कुछ भी नहीं। जिहड़े जकरिया खां दे बंदे ने, उह जकरिया खां दे गल पए वी इह तां सिख ते कल्ला कल्ला माण नहीं, तूं सारिआं नूं इकट्ठे करन लगा। सिख ते कल्ला कल्ला माण नहीं। वो कहन लग्या मैं दूर की सोचता है। कहन लगे की दूर की सोचना है? कहिंदे सोचता यह है मैं भई एक पासे सिख सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हुण आपां जंगलां चों लभ लभ के मारने किड्डा औखा है। सारे सिख इकट्ठे होणगे, उठो कुछ एक नूं जख्मी कर देंगे, कुछ एक नूं गिरफ्तार कर देंगे, कुछ एक नूं खत्म कर देंगे, कम कहानी नेड़े आ जाएगी। उन्हें आख्या जकरिया खान भी गल तेरी बहुत वधिया, सोच तेरी बहुत वधिया, पैसे भी आउणगे, सिखां दा भी नुकसान होएगा। हुण जदों इह गल सी जिहड़ी इह भाई मनी सिंह तक भी पहुँच गई भी जकरिया खान ते अंदरूनी तैयारी इह कर रहे, बाहरी तौर ते उहदा इह हाल है। जदों इह गल होई 1726 तों लै के 1745 तक जकरिया खान हाकम रिहा, चेते रखियो। इहदे बड़े सिंह शहीद कीते ने, करीब 10,000 दा जिक्र है। इह कदे जकरिया खान ने 10,000 दे नेड़े सिंह शहीद कीता होया। जिहड़ी बेनती करन लगा सा भाई मनी सिंह होरां दुबारे फिर सुनेहे भेजे भई सिंह इकट्ठे ना होए। उदों 2 थावां ते सिंह इकट्ठे होंदे सी, एक दिवाली ते एक विसाखी ते। यह नहीं भी असीं दिवाली मनाउंदे सी उस ढंग नाल, नहीं, इस लई भी इह दिन आम लोकां नूं पता होंदे सन, अज वर्गे कैलेंडर नेशन होंदे। सिंह ना आए, जकरिया खान मुठियां बीच के रह गया, अपने मन में करीच के रह गया, कुछ भी ना बनिया। आखिर उन्हें सुनेहा भेजा भी मैनू मेरा 5000 दियो, तुहाडी कौम इकट्ठी होई नहीं होई। भाई मनी सिंह होरां दुबारे फिर सुनेहा भेज दिता, कहन लगे भी मैं तुसी अपने मन का बेईमान छड्ड दिओ,
अक्टूबर के दिवाली सी, मैनू विसाखी के अप्रैल 1734 मैं विसार दोबारे विसाखी से फिर फोन इकट्ठी कर लेने दो, ते उदो मैं तुहानू तो फिर दोबारे पैसे दे देंगा 5000। वो कहन लगे तू इकट्ठी कर ले पर हुण 5 नहीं, हुण तैनू 10 देना पएगा। कहिंदे 10 दे देंगा। भाई मनी सिंह और फिर दोबारे स्नेह भेजे भी आपां विसाखी ते इकट्ठे होणा। देखो कौम दे लीडर किहो जिहे हुंदे सन। मैं वक्त बीती रह के गल कर लगा, निक्की निक्की गल मेरे चेते आ जाती फिर मेरा जी नहीं करता मैं लुकोवा। जो हरी सिंह नलुए ने जमरौत के किले को घेरा पा लिया, जो हरी हरी सिंह और बहुत बीमार से, एक पासे महाराज रणजीत सिंह के पोतरे कमलाओं ने हर सिंह का विआह हो रहा, सारी फौज उठे गई हुई है, इधर पास जमरौत के किले को उन्होंने आके घेरा पा लिया। भी हूँ थोड़े सिंह ने हरी सिंह नलुए को पता लग्या पिछौर तो जमरौत आया, जमरौत तो जंग लड़ते हैं। एक सिंह भाई आलम सिंह भज गया अगे, तो वो मगर निधान सिंह से, माफ करना निधान सिंह अगे भज गया, वो मगर हरी सिंह नलुआ गया। किसी पठान ने गोलियां मार दित्तियां, गोलियां बजियां ते अपने घोड़े की पिठ नूं थप्पड़ के कहिंदे सरदार, अपने घोड़े की पिठ नूं थप्पड़ के कहिंदे सरदार, कहन लग्या भलिया जिंदगी च बड़ा साथ दिता तू मेरा, पर अज साथ जरूर दबू। गोली लगी है कहन कलेर वाली, कैद होया अज असवार तेरा, मेरे बंके शैल शबीलिया होए, नहीं भुलना कदे उपकार तेरा। कहिंदे तेरा पर उपकार नहीं मैं कदे भुलांगा, एक कम करी हरी सिंह नलुए नूं रस्ते च ना रोल दई, जमरौत दे किले तक लै जाई। जदों जमरौत दे किले विच गया हरी सिंह नलुआ, सिख सरदार देख के घबरा गए लहू लुहान। वह कहिंदे घबरावो ना, एक कम करो जल्दी नाल। कहिंदे की करिए? कहिंदे मैनूं घोड़े तों उतार के ना कंध नाल बिठा दिओ, मैनूं लटायो ना। मन भर आउंदा अज दे लीडरां नूं देख के ते उदों दे कौम दे मुखियां नूं देख के, कहिंदे लटायो ना मैनूं कंध नाल बिठा दिओ। कहिंदे क्यों? कहिंदे बाहर इहो ही पता लगे वी हरी सिंह नलुआ अज चढ़दी कला च है, नहीं तुहानूं पठान कच्चियां नूं चबा जाणगे। मैं चलिया कौम नूं मेरी फतेह बुला दिओ, मैं चलिया पर मैनूं पिछे ला के कंध नाल बिठा दिओ ते मेरा मूंह इधर नूं रखियो। याद रखियो जे जदों तक महाराजा रणजीत सिंह की पहुँच नहीं सी ना आ गई, उन्हें खबर नहीं सी ना पहुँच गई, उदों तक हरी सिंह नलुए नूं लम्मा नहीं सी पाया, शहीद होने के बावजूद भी कंध नाल बिठा के रखिया सी। इन्हां लोकां दे सिर ते कौम जिउंदी सी, उन्हां दी कमाई दा तुसीं ध्यान कर दिओ। रोज अरदास विच किहो जिहा सिख होएगा? भाई मनी सिंह तरले लैंदा अज हरेक बंदे की चाहत है मेरा परिवार कट्ठा हो जाए, कौम भावे सारी खिलर जाए, उदों किड्डा गुरु के सिखां दा अकीदा होवेगा मेरी कौम कट्ठी हो जाए। समा नेड़े हो गया। 1734 अप्रैल दे महीने तुसीं 10,000 लै लिओ, मेरी कौम नूं कट्ठी हो जाण दो। बेईमाना फिर सामने आ गया भी ये फिर दोबारे हमला करेगा। मनी सिंह और फिर दोबारे चिट्ठियां पाइया, स्नेह भेजे, अप्रैल के महीने भी कट्ठे ना दी हुए। किहो जिहा कहर सी उस वेले, सिंह ना आए। आखिरकार फौज चढ़ के आई ते उन्हें हुक्म किया भई भाई मनी सिंह ते इहदे नाल दियां नूं गिरफ्तार कर। भाई मनी सिंह वरणको के नाम के साथियों को गिरफ्तार कर लिया। 10,000 रुपया नहीं दिता गुरु की गोलक का, 10,000 रुपया नहीं दिता। आखिरकार भाई मनी सिंह होर पकड़ के ले गए, ले जाके ये कुछ जगत सिंह यदा सका भरा नाल है, उपत सिंह इहदे परिवार विचों है ओ नाल है, चित्र सिंह इहदे नाल है, इहदा पुत्त है चित्र सिंह, तुसीं हैरान होवो।
ਕਿਹੋ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੰਜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਉੱਤੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ, ਤੀਜੀ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌੜ ਦੀ ਗੜੀ ਚ, ਚੌਥਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਨਕ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਖਬਰ ਸੁਣੀਓ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦਰ ਸੀ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਫਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਣੇ ਦੀ, 1734 ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 1644 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 1734 ਹੈ। ਜੇ 44 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂਪਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਭੂਪਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਭੂਪਤ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ, ਪੈਰ ਪੁੱਟਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ, ਬਲੇਡ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਲੇਡ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਟ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਕੱਟ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛਿੱਲ ਵਧੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਖੰਡ ਵਧੇਣੀ, ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ 4-5 ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ। ਆਖਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਮੌਲਿਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਤਨਾ ਮੌਲਿਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ, ਤੇਰੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ 5-4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖੜੇ ਝੱਲਣ ਲੱਗਾ? ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਰ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਜੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਚਲੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬੱਪਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਦੇਖੀ ਤੋਂ ਆਪਨ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਲੱਭ ਹੈ ਕਦ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਗਲਾਸਾ ਗੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਛੱਡ ਗਏ? ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ
जुड़ जाए, मैनू अज गुरु दे लेखे लगन दे, मेरा अंग अंग गुरु दे लेखे लगन लगा। तू क्यों बेईमाना करना, मेरा अंग अंग गुरु दे लेखे लग जान दे। तुसी देखो हरेक बंदा दुख घटाउणा चाहुंदा, किहो जिहा हाल होवेगा, एक गनासा बजदा ते एक बंद कटिया जाता, बंद मतलब जोड़, एक जोड़ कटिया जाता। आखिरकार एक एक जोड़ करके कटदिया 90 साल की उम्र में भाई मनी सिंह के बंद बंद कट के जालमा ने शहीद कर दिया। इहो जिहे महान शहीद की अज आपां शहादत नूं मना रहे हैं। मैं फिर तुहाडे चरणां विच हाथ जोड़ना प्यारिओ, तुहाडे कोल तां इन्ना कीमती विरसा है, कीमती विरसा है जिहड़ा किसी भी कौम कोल नहीं है, किसी भी कौम कोल नहीं है। बस इहनूं विचारीए, पढ़ीए, समझीए। जिस दिन आप अपने बच्चों दसांगे ना, हुण तां थां थां ते सवाल खड़ा होंदा बच्चों किवें जोड़िए, सिखा तेरा विरसा है। कदे वजीर खां दे दरबार विच विचारां हुंदियां सी, बच्चों किवें तोड़िए, जिहनूं लोक इह विचारां करदे सी बच्चों किवें तोड़िए, अज तैनूं सोचना पै रिहा बच्चों किवें जोड़िए। फर्क सिर्फ इन्ना सी, उदों मां गुजर कौर अपनी गोद विच लैके उन्होंने साखियां सुनाउंदी सी गुरु दियां। अज तुसी बच्चों नूं मोबाइल पकड़ा के उन्होंने दे दिंदे हो, अपने कम्मां च लग जांदे हो, ते हुण जोड़ना तां औखा। अज भी माण मत्ते इतिहास नाल जोड़ दईए, ते मैनूं पूरी आस है फिर जालम विचारां करनगे सिक्खी नालों बच्चों नूं तोड़िए किवें। इह नहीं टुट्टणगे जिहड़े गुरमत नूं समझ लैणगे। इतनी बेनतियां कबूल करियो, समय ने पन मुका लिया। मैं बार बार बेनती करूँगा, अपने माण मत्ते इतिहास को जाने होइए, गुरु चरणों में सांझ पाइए, उल्ला ना छटारदे हुए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।